बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, फेजर डायग्राम ऑफ साइलेंट पोल जनरेटर एट लैगिंग पावर फैक्टर। क्या फेजर डायग्राम? ऑफ साइलेंट पोल जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें देखिए, अपन जब ईएफ का इक्वेशन लिखते हैं तो ईएफ का इक्वेशन किस टाइप से लिखा जाता है? इक्वेशन ऑफ ईएफ इज रिटन लाइक दिस, ईएफ इज इक्वल्स टू वीटी प्लस आईएआरए प्लस जे टाइम्स ऑफ आईडी एक्सडी प्लस जे टाइम्स ऑफ आईक्यू एक्सक्यू। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए, मैं फेजर डायग्राम फाइंड कर मतलब ड्रॉ करने वाला हूँ एट लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। एट व्हाट? लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। हेंस फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर केस वन, एट लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे पहले तो एक बात पता चलेगी कि अगर लैगिंग पावर फैक्टर की बात चल रही है और मतलब मतलब लोडेड कंडीशन की बात है, इसका मतलब आर्मेचर करंट विल बी व्हाट? इट विल बी नॉन जीरो एंड आई ए विल लैग टू वी टी बाय पावर फैक्टर एंगल फाइव। आई ए विल लैग टू वी टी बाय एन एंगल ऑफ व्हाट? फाइव एंगल से वो क्या करेगी? लैग करेगी। ठीक है, इस टाइप से। तो अपन क्या करेंगे फिलहाल, अभी उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करने वाले किस टाइप से आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो सबसे पहले देखिए, मैं जो ये कंसिडर करने वाला हूँ रेफरेंस, तो मेरा जो रेफरेंस रहेगा डैट विल बी ई एफ, जो एक्साइटेशन वोल्टेज है। क्योंकि अपन जब सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर की बात करें तो उस टाइम पे भी, और सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मोटर के बारे में जब बात करें तो अपन किसको ए लेते थे उस टाइम? मोटर के केस में वीटी को लेते थे अपन रेफरेंस, और अल्टरनेटर के केस में अपन ई एफ को लेते रेफरेंस। ठीक है, तो जब मैं देखिए ई एफ को रेफरेंस ले रहा हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्साइटेशन वोल्टेज ई एफ। क्या आएगा? एक्साइटेशन वोल्टेज जो ई एफ है, दिस विल बी माई रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद अपन को पता है कि अल्टरनेटर है, तो अगर आप सोर्स साइड से लोड साइड की ओर अगर पावर ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो जो वैल्यू आएगी आपके पास वीटी, वीटी विल कैसा होगा आपके पास? वीटी विल लैग टू ई एफ बाय एन एंगल ऑफ व्हाट? डेल। तो देखिए मैं वीटी फाइंड करता हूँ, वीटी क्या होगा? वीटी विल बी लैगिंग टू ई एफ बाय एन एंगल ऑफ व्हाट? डेल एंगल से क्या करेगा? वीटी उसको लैग करेगा। ठीक है, बात मैं जो कर रहा हूँ कौन से पावर फैक्टर के लिए कर रहा हूँ बेटा? मैं बात कर रहा हूँ लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। अगर मैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए बात करूँ तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो भी कुछ आएगा आपके पास आर्मेचर करंट जो आएगी वीटी को कैसे करेगी? लैग करेगी बाय एन एंगल ऑफ व्हाट? फाइव। आर्मेचर करंट विल लैग टू वीटी बाय एन एंगल ऑफ व्हाट? फाइव। ये होगा आपके पास फाइव, ये रहेगा आपके पास एंगल डेल। बात पता चल गई। अब ये ई एफ और आर्मेचर करंट इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल कौन सा होगा? फाइव एंगल होगा। कौन सा होगा? इंटरनल पावर फैक्टर एंगल या लोड इंटरनल पावर फैक्टर एंगल एक्चुअली, या इनर डिस्प्लेसमेंट एंगल भी कह सकते हो आप उसको। सो दिस विल बिकम व्हाट? साई रहेगा। व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी नथिंग बट साई। बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है, ये रहेगा आई आई ए के लिए। अब देखिए आपके पास अगर अपन ई एफ को ड्रॉ करना चाहते हैं या ई एफ का फेजर डायग्राम ई एफ का वैल्यू पता करना चाहते हैं तो कैसे? पहले मैं सबसे पहले वी टी निकाल लिया, उसके बाद क्या फाइंड करना पड़ेगा मुझे? आई ए आर ए ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? आई ए आर ए। तो देखिए आई ए आर ए कैसे ड्रॉ करोगे? अभी आई ए है तो इसी के इन फेज में क्या होगा आपके पास? क्या आएगा? अभी आई ए आर ए आएगा। ठीक है, तो आई ए है तो वी टी के इन फेज में क्या आएगा? आई ए आर ए। तो ये आएगा मेरे पास क्या? दिस विल बी आई ए आर ए। आपको दिखना चाहिए इसके लिए मैंने थोड़ा उसको बड़ा निकाला है, अदरवाइज उसका वैल्यू इतना बड़ा नहीं होता। बेटा बात समझ में आई कि मैंने जो बोला? ठीक है, अब आई ए आर ए का मैंने वैल्यू ड्रॉ कर लिया, उसके बाद देखिए क्या अपन के पास, उसके बाद अपन के पास जे टाइम्स ऑफ आई डी एक्स डी। क्या है जे टाइम्स ऑफ आई डी एक्स डी? तो बेटा जे प्लस जे क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है, ऐसा उसका मतलब है। और आई डी एक्स डी क्या? ऑब्वियसली देखा जाए तो एक प्योरली रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है। क्या है? रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है। और अपन को पता है कि इन केस ऑफ रिएक्टेंस, एक्सक्यूज मी,
इन केस ऑफ रिएक्टेंस जो आपके पास जो इंडक्टर की जो वोल्टेज होती है दैट वोल्टेज लीड टू इंडक्टर करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सिमिलरली अब मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आईडी और एक्सडी का वोल्टेज ड्रॉप है और किसके करस्पॉन्डिंग आईडी करंट को क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप लीड करेगा 90 डिग्री से। अब आईडी दिखाया नहीं मैंने, तो देखिए बेटा आईडी जो होगा आपके पास, आईडी कहाँ पे आने वाला, आर्मेचर करंट है, उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा आपके पास क्या, डायरेक्ट एक्सिस आर्मेचर कंपोनेंट ऑफ करंट, दिस विल बी व्हाट, क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर करंट। सो यू कैन सी दिस, दिस इज अ क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर करंट एंड दिस इज द डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट ऑफ व्हाट, आर्मेचर करंट। बात समझ में आ रही है भाई, दिस इज आईडी एंड दिस इज व्हाट आईक्यू, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आर्मेचर करंट के दो अलग अलग कंपोनेंट बन गए भाई, ठीक है। तो दिस आर द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आर्मेचर करंट, ठीक है। सो दिस आर द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आर्मेचर करंट, ठीक है। अब देखिए ये आई डी इस टाइप से वर्टिकल है, तो उसको जो वोल्टेज आएगी, वोल्टेज क्या करेगी, उसको लीड करेगी 90 डिग्री से। देखिए अगर ये वोल्टेज, अगर सपोज मेरे पास ये करंट है, तो उसको जो वोल्टेज आएगी, वोल्टेज कैसे आनी चाहिए, लीड करनी चाहिए 90 डिग्री से। अगर सपोज मैं यहाँ पे उसका आई डी एक्सडी का ड्रॉप दिखा दूँ तो कैसे होगा बेटा, आप देख सकते हो दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज करंट। सो देख सकते हो कि आप ये जो वोल्टेज, वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है, और ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितने एंगल से, 90 डिग्री से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। बात समझ में आ गई है, आई होप कि आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए ये आई डी है, मतलब ये आई डी है, तो आईडी को देखिए अगर ये ऐसा है तो उसको जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा कैसा आएगा, परपेंडिकुलर आएगा उसको, मतलब क्या ये वर्टिकल है तो ये क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा आपके पास आई डी एक्स डी, ये क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट आई डी एक्स डी वोल्टेज ड्रॉप आएगा। बात पता चल गया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी आई डी एक्स डी। सिमिलरली देखिए आई डी एक्स डी हो गया, तो इसके बाद जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है ई एफ के एक्सप्रेशन में, देखिए क्या है, आई क्यू एक्स क्यू है, क्या है, आई क्यू एक्स क्यू। अभी प्लस जे इंडिकेट क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लीड करना है, और आई क्यू क्या कर रहा है, वो उसके उसके करस्पॉन्डिंग करंट है, तो उस करंट को क्या करेगा, उसका वोल्टेज ड्रॉप लीड करेगा 90 डिग्री से, क्योंकि प्योरली रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास देखिए, अगर ये आई क्यू है, अगर सपोज मेरे पास ये आई क्यू इस टाइप से, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा बेटा, दैट विल लीड टू इट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो दिस विल बी आई क्यू टाइम्स ऑफ एक्स क्यू, ठीक है। इस टाइप से आएगा, तो देख सकते हो कि आप इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो इस टाइप से आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा, इस टाइप से आएगा, दिस विल बी लाइक दिस, सो यू कैन सी दिस वेरी वेल। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट दिस विल बी आई क्यू टाइम्स ऑफ व्हाट, एक्स क्यू, इस टाइप से रहेगा। ये आप देख सकते हो कि ये इस टाइप से आने वाला है, इस टाइप से आएगा भाई, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए एक छोटा सा एक हिस्सा कि आपको पता होना चाहिए। देखिए ये आर्मेचर करंट कौन से आपके पास आई ए आर ए है, तो अगर इस आर्मेचर करंट को देखिए, अगर मैं थोड़ा अच्छे से देखूँ तो इसमें देखिए एक और दो, एक दो बात और बन सकती है। इसमें देखिए अगर मैं ड्रॉ करना है, फाइंड करना है, अगर सपोज मैंने सोचा भी, तो इसमें क्या बन सकता है, देखिए आर्मेचर करंट और वोल्टेज, ये कैसा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, तो इसमें क्या होगा ना, अगर मैं इस आर्मेचर करंट का अगर ए वाला हिस्सा देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, आई क्यू के इन फेज में आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट आई क्यू टाइम्स ऑफ व्हाट, एक्स क्यू, क्या बन जाएगा, दिस विल बी आई क्यू, सॉरी आई क्यू टाइम्स ऑफ आर ए, और ये जो करंट है कौन सी करंट है, आई डी वाली, तो आई डी के इन फेज में आ जा रहा है, तो ये बनेगा आपके पास क्या, दिस विल बी नथिंग बट आई डी आर ए, ठीक है। और ये जो बनेगा आपके पास, उन दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा, ये बनेगा अपन के पास क्या बनेगा, ये आई ए आर ए बनेगा, क्या बनेगा, ये आई ए आर ए बनने वाला है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये किस टाइप से मैंने उसको निकाला है। देखिए आपके पास क्या होता है, ये दिस इज आई डी, दिस इज आई क्यू, ठीक है, और अपन को पता है कि भाई ये क्या था आपके पास, वोल्टेज वी टी था, ये जो था अपने पास ये क्या था, आई ए था, ठीक है, क्या था, ये आई ए है। तो इसमें अगर मैंने ये इसी के इन फेज में अगर मैंने इसको फाइंड किया, ड्रॉ किया है, तो देखिए किस टाइप से आ जाएगा, ये बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा आ गया, तो बन जाएगा भाई ये इस टाइप से बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी आई ए आर ए, इस टाइप से बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसको अगर मैं थोड़ा आगे ले जाऊँ तो देखिए ये क्या बन जाएगा, इसको अगर थोड़ा मैं आगे ले जाऊँ तो देखिए क्या बन जाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो देखिए ये क्या आपके पास आई क्यू है, और ये क्या है, ये आई डी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आई क्यू है ना अपने पास, ये तो देखिए इसके इन फेज में आ गया, ये आई क्यू के इन फेज में जो आएगा डेट विल बी वॉट, दिस विल बी आई क्यू आर ए, और ये आई डी है तो आई डी के इन फेज में जो आएगा डेट विल बी वॉट, डेट विल बी आई डी आर ए। बेटा बात समझ में आ गया, अभी यहाँ पे पता चल गया किस टाइप से मैंने इसको फाइंड किया, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे इसके एरोज सही से दिख नहीं रही है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से निकालता हूँ फिर,
ठीक है। तो आपके पास ये जो आएगा इस टाइप से बनेगा, उसके बाद ये जो बनेगा आपके पास उसको मैं इस टाइप से आएगा है, इसको थोड़ा मैं इस टाइप से ये कर लेता हूँ। और जो आपके पास ये जो बनेगा इसको अगर सपोज मैं इस टाइप से बना लूँ तो ये बनेगा। IDR इस टाइप से बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें एक बात ये हो सकती है क्या, अगर सपोज मैं ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करके आगे लेके जाऊँ तो देखिए क्या हो सकता है। सपोज अगर मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड करके ऐसे लेके जाऊँ तो देखिए इसका कुछ तो मतलब बन सकता है। ये वाला जो पॉइंट होगा इसको मैं क्या नाम दूँ, ये बहुत बड़ा होगा अभी, इसको किस टाइप से नाम दिया जा सकता है। ठीक है। देखिए अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से देखें तो एक बात आपको पता चल सकती है। कौन सी बात पता चलेगी? अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, EF और IA, इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, डेल एंगल है, साई एंगल है। कौन सा? EF और IA, इन दोनों के बीच में क्या है, साई एंगल है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा, फिर यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा सपोज अगर मैं उसको इस स्टेप से ड्रॉ कर लेता हूँ दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में, क्योंकि देखिए ये IA है, IA को क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा, वही एंगल बनेगा। आपको पता है पूरा का प्योर बेसिक ज्योमेट्री लगाना है और कुछ नहीं। ठीक है। तो देखिए भाई ये वाला जो एंगल है आपके पास ये कितना साई एंगल है, तो परपेंडिकुलर इसको अगर मैं डाल दिया तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी साई। ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, आप देख सकते हो यार कि ये अगर सपोज ऐसा कुछ कर दिया तो ये साई है, तो इसी को अगर सपोज मैं ऐसा कुछ कर दिया तो ये कितना बन जाएगा साई, बस ये उसी टाइप से यहाँ पे आपके पास है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर ये साई एंगल है, अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। ये हाइट कितनी है आपके पास यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट IQ XQ, ये क्या है IQ XQ आपके पास। ठीक है। अब देखते हैं कि तो ये भी क्या बन जाएगा, दिस विल आल्सो भी IQ XQ बन जाएगा। और ये कितना है साई है, तो इसका हाइट कितना, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा वो देख लेते हैं अपन। ठीक है। तो सपोज अगर मैं इसको इतने फिलहाल को अगर सपोज मैं एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, ये IQ XQ है, इतना वाला कितना है IQ XQ। तो अगर सपोज मैं इस एक्स का वैल्यू पता करना चाहा तो एक्स अपॉन हाइपोटेनियस क्या आपके पास, ये जो हाइपोटेनियस है आपके पास इसको अगर सपोज मैं पी नाम दे दिया, पी इज इक्वल्स टू, ठीक है पहले मैं कॉस साई निकाल लेता हूँ फिर देखना बातें थोड़ी बदल सकती है। तो अगर सपोज मैं कॉस साई लिखा तो कॉस साई इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड कितने आपके पास, IA XQ डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय ए जो हाइपोटेनियस है, मैं उसको पी नाम दे देता हूँ पी। तो आप देख सकते हो कि पी इज इक्वल्स टू IA XQ, ये IQ है ना, सॉरी ये IQ आएगा ना फिर, तो IQ XQ डिवाइडेड बाय कॉस, डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस ऑफ साई, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है। और अगर सपोज मैं IA और यहाँ से अगर सपोज उनके वैल्यूज, ठीक है पहले ये तो मैं बना लिया फिर साइन का भी देख लेते। वैसे सिमिलरली साइन साई अगर मैं बोलूँ तो साइन साई इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड कितने आपके पास, वो है एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या आपके पास, वो है आपके पास पी, मतलब ये, ठीक है मैं पी लिखता हूँ उसको पहले फिर बाद में आपको पता चल जाएगा। एक्स अपॉन पी दिस इज इक्वल टू और साइंस है, दिस इज इक्वल टू साइंस है इज इक्वल टू एक्स अपॉन पी, इस टाइप से बन जाएगा। हाँ फिर इसमें देखना क्या क्या चीज़ें वहाँ पता चलने वाले आपको। अगर मैं IQ का वैल्यू पता करूँ तो देखिए IQ इन टर्म्स ऑफ IA और कॉस साई किस टाइप से आने वाला है, तो IQ का जो वैल्यू बनेगा IQ इज इक्वल टू IA कॉस ऑफ साई, IQ इज इक्वल टू वॉट, IA टर्म्स ऑफ कॉस साई। सिमिलरली ID के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अपोजिट साइड आ जाएगी, ID इज इक्वल टू IA टाइम्स ऑफ साइंस है। ठीक है। तो सपोज अगर मैं IA का वैल्यू पता करूँ तो देखिए IA का वैल्यू क्या आने वाला है आपके पास, IA विल बी IQ टाइम्स ऑफ कॉस है, ऐसे आ सकता है। तो अगर सपोज मैं, ठीक है यहाँ से अगर मैं IA का वैल्यू देखूँ तो IA इज इक्वल्स टू
आई क्यू अपॉन कॉस ऑफ साई, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखता हूँ, ठीक है, पहले इसमें आई ए का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, कॉस एक्चुअली आई क्यू अपॉन कॉस साई, मतलब देखिए इसका वैल्यू बन जाएगा आई ए मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यू, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास आई क्यू अपॉन कॉस ऑफ साई इज इक्वल्स टू आई ए, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जो पी है मेरे पास, पी का वैल्यू क्या मिल गया, पी मतलब ये वाला, इसका वैल्यू मुझे मिल गया भाई, क्या मिला है, दिस इज नथिंग बट आई ए टाइम्स ऑफ एक्स क्यू, क्या है, दिस इज नथिंग बट ये जो है आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन, सो ये बन जाएगा आपके पास को क्या बन जाएगा, दिस विल बी आई ए टाइम्स ऑफ एक्स क्यू, इस टाइप से बन गया। अब जो एक्स है, एक्स का वैल्यू देख लेते क्या है, पी का वैल्यू पता चल गया आपको, क्या है पी का वैल्यू, दिस इज एक्स अपॉन वॉट, पी का वैल्यू है आई ए टाइम्स ऑफ एक्स क्यू, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू देखते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू आई ए साइन साई मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यू, आई ए साई, देखिए मैं इसको इधर इस साइड मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास आ गया एक्स का वैल्यू, एक्स इज इक्वल्स टू आई ए साइन साई मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यू, तो आई ए साइन साई इसका वैल्यू क्या आपके पास आई डी, तो देख सकते हो कि आप मैं जो ए जो है इसका वैल्यू क्या पुट कर दूँ मैं, दिस इज इक्वल्स टू वॉट आई डी, आई डी मल्टीप्लाई बाय वॉट एक्स क्यू, आई डी मल्टीप्लाई बाय वॉट एक्स क्यू, दिस इज नथिंग बट वॉट एक्स, दिस इज नथिंग बट वॉट एक्स। और बेटा मेरे हिसाब से आपको तो इतना पता चल गया होगा कि एक्स क्या है आपके पास, ये जो वैल्यू है भाई इसका वैल्यू कितना आपके पास, दिस इज नथिंग बट आई डी मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यू, सो दिस इज नथिंग बट आई डी मल्टीप्लाई बाय वॉट एक्स क्यू, इस टाइप से आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है मैंने किस टाइप से उसको डिराइव किया, ठीक है, डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं, आप उसको आसानी से निकाल सकते हो बेटा, बात समझ में आ रही ना। तो देखिए ये क्या आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू आई डी एक्स क्यू, और ए टोटल कितना आपके पास, दिस टोटल इज इक्वल्स टू आई डी एक्स डी, ये जो टोटल है आपके पास, ये है आपके पास कितना आई डी एक्स डी, और ये जो है आपके पास देखिए टोटल कितना है, ये है आपके पास आई डी टाइम्स ऑफ एक्स क्यू, क्या है आई डी टाइम्स ऑफ एक्स क्यू, इस टाइप से भाई, इस टाइप से, दिस इज आई डी एक्स क्यू एक्स क्यू, दिस इज आई डी एक्स डी, ठीक है। तो ये जो बनेगा आपके पास ये वाला जो ये बनेगा दिस माइनस दिस, तो ये बन जाएगा आपके पास इतना, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी आई डी एक्स डी माइनस आई डी एक्स क्यू माइनस वॉट आई डी एक्स क्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आई डी कॉमन लिया तो ये बन जाएगा आई डी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू, आई डी इंटू वॉट एक्स डी माइनस एक्स क्यू, इस टाइप से बन जाएगा बेटा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है मैं उसको क्या नाम दे दूँ, इसको मैं नाम दे सकता हूँ क्या, दिस इज नथिंग बट ई एफ डैश नाम देता हूँ मैं इसको, क्या ई एफ डैश नाम दे दूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बनेगा दिस विल बी नथिंग बट वॉट ई एफ डैश, तो देखिए ये वाला इस टाइप से मैंने इस डायग्राम है इसको मैंने पूरा उसको अच्छा से एनालिसिस किया है। अब इसमें एक बात अगर मैं और बोल दूँ तो देखिए इसको थोड़ा सा अगर मैं ये वाला देखिए पॉइंट थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ इस साइड के लिए लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अगर सपोज मैं उसको थोड़ा एनालिसिस करता तो मुझे एक बात पता चलती कि आई ए इज इक्वल्स टू आई क्यू अपॉन कॉस ऑफ साई, आई क्यू अपॉन वॉट कॉस ऑफ साई, इस टाइप से बन रहा है, दिस इज नथिंग बट आई ए, ठीक है, इस टाइप से। तो ये देखना आप किस टाइप से बन रहे हैं, तो इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी, देखिए तो ये बन जाएगा आपके पास इस टाइप से बनेगा है, क्या बनेगा है, इस टाइप से बनने वाला है, ठीक है। उसको थोड़ा अच्छे से निकालिएगा क्योंकि इसी के ऊपर अपन को और एनालिसिस करना है आगे, तो इस टाइप से देखिए किस टाइप से बनेगा, सो दिस विल बी इस टाइप से बनने वाला होता है, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हो कि देखिए आपके पास किस टाइप से सब चीज़ें बन रही है। फिर मैं देखिए इसको यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इस टाइप से, आप देख सकते हो उसको इस टाइप से बना लीजिएगा थोड़ा, ये चीज़ें किस टाइप से बन रही है आपके पास, ठीक है, इस टाइप से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी कुछ आ रहा है आपके पास किस टाइप से आने वाला है, ये वी टी है यहाँ पे, तो ये जो बन जाएगा आपके पास दिस विल बी नथिंग बट वॉट वी टी, और ये एंगल वी टी और आई इन दोनों के बीच में जो एंगल है डेट इज वॉट फाई, तो ये बन जाएगा आपके पास वी टी साइन फाई। इसके बाद अगर मैं इसके बात करूँ तो देखिए ये वी टी का अगर मैं इसके ऊपर प्रोजेक्शन लूँ आई ए के ऊपर, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, दिस विल बी वी टी कॉस ऑफ साई, और ये बनेगा आपके पास आई ए आर ए, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी आई ए आर ए, इस टाइप से बन जाने वाला है, ठीक है भाई। और ये जो बनेगा वी टी कॉस फाई, ये क्या होगा आपके पास, ये आई ए का इसके ऊपर प्रोजेक्शन होगा,
आप देख सकते हो कि ये इस टाइप से बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से बनेगा, आपको लगेगा थोड़ा हॉचपॉच टाइप दिख रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मैं उसका पूरा एनालिसिस करना चाहता हूँ अच्छे से, इसके लिए ऐसा होगा। सबसे पहले देखिए अपन ई एफ का एक्सप्रेशन निकालते हैं। ई एफ को देखिए, अगर अपन को है ना एफ हेजर्स को ज्वाइन करते करते अपन ई एस को देखिए, ई एफ को किस टाइप से पहुँच रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा अच्छे से देखिए तो देखिए इसमें क्या बन रहा है। ये जो कि अगर मैं इसको देखूँ तो वी टी का अगर मैं यहाँ पे एंगल देखूँ तो देखिए किस टाइप से बनने वाला है ये वी टी। और वी टी का अगर सपोज मैं ई एफ के ऊपर अगर मैं उसका एक्सप्रेशन या ई एफ के अगर ऊपर मैं उसका प्रोजेक्शन लूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, दिस विल बी वी टी कॉस डेल। ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट वी टी कॉस डेल, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस टाइप से, तो सो दिस विल बिकम वॉट, दिस विल बी नथिंग बट वी टी कॉस डेल, इस टाइप से बनने वाला है। उसके बाद देखिए ये जो बनेगा आपके पास, इसी को अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, दिस विल बी आई क्यू आर ए, क्या बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट आई क्यू आर ए, इस टाइप से बनने वाला है। उसके बाद अगर मैं उसको यहाँ से देखूँ तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये पूरा बनेगा यहाँ तक जो बनेगा, दिस विल बी वॉट, दिस विल बी आई डी एक्स डी, दिस विल बिकम वॉट, दिस विल बी नथिंग बट आई डी एक्स डी, इस टाइप से बनने वाला है। तो अगर आप सभी को ऐड कर दोगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, ई एफ मिलेगा, क्या मिलेगा, ई एफ मिलेगा। तो ई एफ का वैल्यू देखिए कितना आने वाला है, सो द वैल्यू ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू वी टी कॉस डेल, वी टी कॉस डेल प्लस आई क्यू आर ए, वी टी कॉस डेल प्लस आई क्यू आर ए प्लस वॉट, प्लस आई डी एक्स डी, प्लस वॉट आई डी एक्स डी, इस टाइप से बन रहा है भैया, ठीक है, इस टाइप से बन रहा है। सो दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एफ, ठीक है। उसके बाद सपोज अगर मैं ई एफ डैश के फॉर्म्स में अगर उसको फाइंड करना चाहूँ तो देखिए किस टाइप से बन सकता है, ई एफ डैश के फॉर्म में देखिए किस टाइप से, ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम, आप उसको बोल सकते हो कि ये बन जाएगा आपके पास वी टी प्लस दिस इज वॉट आई आई ए आर ए, उसके बाद ये बन जाएगा आपके पास क्या आई ए एक्स क्यू, तो ये बन जाएगा ई एफ डैश। तो ई एफ डैश के फॉर्म में भी देखिए नया एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास, ये उसको एक्सप्रेशन नंबर वन बोल रहा हूँ, दिस विल बी वॉट ई एफ डैश। तो इसका वैल्यू देखिए किस टाइप से आने वाला है, तो ये बन जाएगा आपके पास वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्स क्यू प्लस वॉट आई ए एक्स क्यू, इस टाइप से आएगा। मैं कैसे लिखा पता चला ना आपको, मैंने लिखा पहले ये वी टी, वी टी में ए ऐड किया आई ए आर ए, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास आई ए एक्स क्यू, ठीक है। और ये ई एफ डैश जो इसको मैं हाइपोथेटिकल ई एम ए बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इसको हाइपोथेटिकल एक ई एम ए पे, बस एक है आपके पास एक्चुअली फेजर से, बस आपने उसका एनालिसिस किया और कुछ नहीं है, ठीक है, एक सिंपल तरीका लिखने का। उसको अगर मुझे सपोज अभी ई एफ लिखना है ई एफ डैश को यूज़ करके, तो आप देख सकते हो कि ई एफ डैश किस टाइप से लिखा जाएगा, ई एफ डैश विल बी इक्वल्स टू वॉट, बेटा देखिए आपने जो लिखा है ना, आपने कहाँ तक लिखा है, यहाँ तक ही लिखा है, अपन को कितना चाहिए, पूरा का पूरा ई एफ चाहिए, तो दिस इज वॉट, दिस इज ई एफ डैश। ई एफ डैश में अगर मैं इतना जो भी कुछ वैल्यू इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई एफ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इतना वैल्यू कितना है, आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है एक्चुअली, ये वाला जो इतना जो है, दिस इज नथिंग बट वॉट आई डी मल्टीप्लाई बाय एक्स डी माइनस एक्स क्यू, क्या है, आई डी मल्टीप्लाई बाय एक्स डी माइनस एक्स क्यू, तो ये बन जाएगा मेरे पास ई एफ डैश प्लस आई डी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू। बात समझ में आ रही बेटा, मैंने किस टाइप से उसको लिखा है, ठीक है। और ई एफ डैश का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, दिस विल बी वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्स क्यू प्लस आई डी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू इंटू वॉट आई डी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम, ई एफ डैश नहीं सिर्फ ई एफ बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास ई एफ, क्या बन जाएगा, ई एफ बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, सो दिस वॉज द सेकंड एक्सप्रेशन विच आई रोट फॉर ई एफ डैश विच वॉज करस्पॉन्डिंग टू वॉट ई एफ। तो ये अपन देखिए मैंने उसको ई एफ डैश के लिए लिखा था, तो ये बन जाएगा आपके पास थर्ड एक्सप्रेशन विच इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ ई एफ, मतलब सेम इन टर्म्स ऑफ ई एफ ही है, दो ही एक्सप्रेशन एक्चुअली अगर देखा जाए तो, दिस इज ई एफ के फॉर्म में मतलब देखा जाए तो इन दिस वन, और ई एफ डैश के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा आपके पास। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं, बस उसको सिंपली समझना है क्या क्या किस टाइप से आने वाला है। तो देखिए आपने ई एफ का वैल्यू पता कर लिया भाई एट लैगिंग पावर फैक्टर। सपोज अगर मैं सेम पता करना चाहता हूँ किसके टर्म्स में, अगर मुझे सपोज अगर उसके एंगल्स के फॉर्म में अगर देखना है तो एंगल कैसे पता करोगे, देखिए सिंपल बात है, आप देख सकते हो कि साई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सपोज इफ आई रोट द वैल्यू ऑफ साई, तो साई का वैल्यू क्या पता चल रहा है यहाँ से, द वैल्यू ऑफ साई इज इक्वल्स टू डेल प्लस फाई, क्या है, वैल्यू ऑफ साई इज इक्वल्स टू डेल प्लस फाई, इस टाइप से आ रहा है। और अगर सपोज मुझे टेन साई लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, क्योंकि अगर सपोज आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में आप देख सकते हो कि आपको पावर फैक्टर का वैल्यू पता होता है, ठीक है, अगर आपको साई पता चल जाएगा तो आराम से आप डेल पता कर लोगे, क्या पता कर लोगे, आराम से डेल पता कर लोगे। लेकिन सवाल ये होगा कि साई कैसे पता करें, देखिए मैं साई को किस टाइप से पता करने वाला, पहली बात एक बताओ
कि आपके पास जो साई है वो किसके और किसके बीच का एंगल है, ई एफ और आई ए इन दोनों के बीच का एंगल है, दिस इज वॉट एक्साइटेशन ई एम एफ और आर्मेचर करंट दोनों के बीच का एंगल है। अब इंटरनल पावर फैक्टर एंगल आप उसको बोलते हो या इनर डिस्प्लेसमेंट एंगल आप उसको बोलते हैं। अगर मुझे साई पता करना है तो साई मतलब क्या, देखिए अपोजिट साइड अपॉन वॉट एडजेसेंट साइड, इस तरीके से मैं साई को लिख सकता हूँ टैन साई को। तो अपोजिट साइड क्या आपके पास, दिस इज वॉट, दिस इज वी टी साइन फाई प्लस आई ए एक्स क्यू, बात समझ में आ गई, दिस विल बी अपोजिट साइड। और अगर मैं सपोज एडजेसेंट साइड की बात करूँ तो एडजेसेंट साइड देखिए कि आपके पास दिस इज वी टी कॉस फाई, दिस इज वॉट आई ए आर ए, ठीक है। तो आपको अभी पता चला होगा मैंने सारी की सारी बातें इसके पहले क्यों ड्रॉ करके रखी थी, इसके लिए क्योंकि मुझे टेन साई के वैल्यू ऐसे पता करना था, बात समझ में आ गई। क्योंकि मैं टेन साई के वैल्यू अगर वहाँ से पता करूँ तो कितना आने वाला है, सो टेन साई इज इक्वल्स टू टेन ऑफ डेल प्लस फाई, इसका वैल्यू जो आएगा भाई अपोजिट साइड क्या आपके पास, अपोजिट साइड इज वी टी साइन फाई प्लस वॉट आई ए एक्स क्यू, इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास वी टी साइन फाई प्लस आई ए एक्स क्यू डिवाइडेड बाय वी टी कॉस फाई प्लस आई ए प्लस वॉट वी टी कॉस फाई अपॉन आई ए आर ए, बात समझ में आ गई भाई, टाइम साई को आपने किस टाइप से फंड किया है, ठीक है। और ये जो साई है, साई क्या है आपके पास, साई इज इक्वल्स टू डेल प्लस फाई है, ठीक है। तो मैंने उसको उस स्टेप से भी लिख दिया कि टेन साई इज इक्वल्स टू टेन ऑफ डेल प्लस फाई। सो दिस इज एंटायर डिस्कशन अबाउट दी सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर लैगिंग पावर फैक्टर फेजर डायग्राम, ठीक है। तो ये आ गया भाई इसके रिगार्डिंग। उसके बाद सपोज अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हो, क्योंकि ये वाले फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जब मैं इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, बात समझ में आ रही है। तो ये था भाई आपके पास क्या, फेजर डायग्राम ऑफ सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर एट लैगिंग पावर फैक्टर। नाउ वी विल डिस्कस द फेजर डायग्राम ऑफ सैलिएंट पोल अल्टरनेटर फॉरवर्ड लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो देखिए भाई आगे अब बात करते हैं फेजर डायग्राम ऑफ सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर एट लैगिंग की जगह पे क्या करते हैं, लीडिंग, क्या करते हैं लैगिंग की जगह पर लीडिंग। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने यूनिटी के लिए क्यों नहीं बताया, भाई यूनिटी बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत आसान है, ठीक है। तो आई ए विल बी वॉट नॉन जीरो एंड आई ए विल लैग की जगह पे क्या आ जाएगा, अभी लीड आ जाएगा। तो आई ए क्या कर जाएगा भाई, लैग लीड कर जाएगा किसको, वी टी को, कितने एंगल से, फाइव एंगल से। सो आई ए विल लीड टू वी टी बाय एन एंगल ऑफ वॉट, फाइव। सो दिस इज आई ए विल लीड टू वी टी बाय एन एंगल ऑफ वॉट, फाइव। तो देखिए भाई अभी अपन उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ई एफ को क्या लूँगा, ई एफ को रेफरेंस लूँगा। सो ये देखिए भाई ये ई एफ मेरे पास रेफरेंस के लिए आ गया, ठीक है। और एक्सप्रेशन जो रहेगा आपके पास, ये वाली जो एक्सप्रेशन है आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, जो आपने एक्सप्रेशन लिखी, ई एफ का एक्सप्रेशन सेम आएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एंगल जो होगा आपके पास पावर फैक्टर एंगल, डेट विल बी लीडिंग एंगल, ठीक है। इस टाइप से ई एफ है तो वी टी क्या करेगा, उसको लैग करेगा कितने एंगल से, डेल एंगल से, ठीक है। तो ये बन जाएगा वी टी। और अपन को पता है कि एट लीडिंग पावर फैक्टर द टर्मिनल वोल्टेज इज मोर देन डेट ऑफ वॉट, ई एफ। सो दिस इज वॉट मोर देन डेट ऑफ ई एफ, इसके लिए मैंने उसको उससे ज़्यादा दिखाया, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा, डेट एंगल विल बी वॉट, दिस विल बी दी लोड एंगल डेल, ये क्या बनेगा आपके पास, लोड एंगल बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो आर्मेचर करंट आएगी आपके पास, आर्मेचर करंट क्या करेगी, डेट विल लीड टू टर्मिनल वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ वॉट, फाइव, बाय एन एंगल ऑफ वॉट, फाइव। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा आर्मेचर करंट and excitation voltage, that will be what, psi. So this is what, this is nothing but IA, ठीक है। अब IA के दो component कौन कौन से आएगा आपके पास, quadrature axis component of armature current and direct axis component of what, armature current। तो ये बनेगा आपके पास IQ, और ये जो बनेगा आपके पास, this will be what, this will be ID, ये क्या बनेगा, this will be ID, ये ID बनेगा और ये क्या बनेगा आपके पास, IQ बनने वाला है, बिल्कुल सही है भाई। सो ये ID है, ये बन जाएगा ID, ये क्या बनेगा, ID बनेगा। अब देखना मैं क्या करूँगा, आई डी आई ए है तो आई ए में क्या ऐड होगा, आई ए आर ए होगा, क्योंकि नेक्स्ट कंपोनेंट अगर यहाँ पे देखा जाए ई एफ के एक्सप्रेशन में क्या है आपके पास, आई ए आर ए, तो आई ए आर ए क्या करेगा भाई, आई डी में ऐड, आई डी में सॉरी वी टी में क्या करेंगे अपन, आई ए आर ए को ऐड करेंगे। तो ये इस टाइप से है, तो देखिए ये इस टाइप से ऐड होगा, तो ये आएगा आपके पास यहाँ पे आई ए आर ए, क्या आएगा, आई ए
उसके बाद क्या आई क्यू एक्स क्यू या आई डी एक्स डी, ठीक है तो अपन फाइंड कर लेते हैं उसको क्या आएगा भाई। देखिए ये क्या आई ए एक आई ए है तो सॉरी आई क्यू है, तो आई क्यू के करस्पॉन्डिंग जो उसका ड्रॉप आएगा कौन सा आएगा, आई क्यू एक्स क्यू आएगा। ठीक है तो मैं यहाँ पे ये कर ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी आई क्यू एक्स क्यू इस टाइप से आएगा। मैं ये आपको और थोड़ा छोटा सा बना देता हूँ, मतलब उससे थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो सारी चीज़ अपन को दिखानी है, तो ये बन जाएगा आपके पास ई एफ क्या बनेगा, दिस विल बिकम व्हाट ई एफ बन जाएगा। उसके बाद ये देखना क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट आई डी एक्स डी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आई डी एक्स डी, क्योंकि ये आई डी है तो उसका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, अगर वो वर्टिकल है तो ये क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये बनेगा आपके पास आई डी एक्स डी क्या बनेगा, आई डी एक्स डी बनने वाला है भैया। सो दिस इज आई डी एक्स डी, दिस इज आई क्यू एक्स क्यू। ठीक है अब अगर सपोज मैं बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी आई ए है तो आई ए को परपेंडिकुलर में आ जाएगा, तो दिस विल बिकम व्हाट आई ए एक्स क्यू, ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी आई ए टाइम्स ऑफ व्हाट एक्स क्यू, इस टाइप से बन जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखना इसमें एक बात ये होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये आई ए थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर कर दिया मैंने, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि जगह रहनी चाहिए अपन को बाकी चीज़ें दिखाने के लिए, और बहुत ही बड़ा डायग्राम बन जाएगा है। देखिए किस टाइप से बनेगा, थोड़ा मैं उसको नीचे ड्रॉ करता हूँ, तो बन जाएगा आपके पास आई ए, ये बन जाएगा आपके पास फाई, ये बन जाएगा इन दोनों के बीच में साई। ठीक है तो देखिए वीडी के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा वो कौन सा होगा भाई, आई ए आर ए, तो आई ए आर ए देखिए क्या करेगा, आई आर एस के सीरीज में अपन ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास दिस विल बी आई ए आर ए क्या बनेगा, दिस विल बी नथिंग बट आई ए आर ए। ठीक है इस टाइप से, उसके बाद क्या बनेगा आपके पास आई क्यू एक्स क्यू बन जाएगा, क्या बनेगा भाई आई क्यू एक्स क्यू आएगा, सो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आई क्यू कैसा आपके पास हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या आ जाएगा वर्टिकल, तो ये बन जाएगा आई क्यू एक्स क्यू, क्या बन जाएगा वो आई क्यू एक्स क्यू बन जाएगा। ठीक है उसके बाद आई क्यू एक्स क्यू के बाद क्या बनेगा, ये आई डी है तो आई डी कैसा वर्टिकल है तो उसका जो ये आ जाएगा आई डी एक्स डी कैसा आएगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा, तो ये देखिए भाई दिस विल बी आई डी एक्स डी, ये क्या बन गया आपके पास, दिस विल बी आई डी मल्टीप्लाई बाय व्हाट एक्स डी, इस टाइप से बन गया। ठीक है उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर सपोज़ मैं ये ऐसा लूँ और ये ऐसा लूँ, ठीक है पहले मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ आई ए को, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है भाई तो यहाँ से जो भी कुछ आएगा मेरे पास, देखिए मैं अगर उसको इसको मैंने ऐसा ए करा दिया, और यहाँ से देखिए यहाँ से अपन के पास एक एक्चुअली ये थोड़ा छोटा होना चाहिए था, और आई क्यू के लिए आई ए एक्स क्यू के लिए थोड़ी जगह कम पड़ रही है एक्चुअली, ये आएगा आई ए एक्स क्यू, इसको है ना थोड़ा मैं दूर बना देता हूँ और ई एफ को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, वैसे उसको दिखाने के लिए दिस इज ई एफ। ठीक है और ये बन जाएगा आपके पास आई ए आई क्यू एक्स क्यू, ठीक है इस टाइप से ये बन जाएगा, इस टाइप से तो ये बन जाएगा आई क्यू एक्स क्यू, ये बन जाएगा आपके पास आई ए एक्स क्यू, आई ए एक्स क्यू, ये आई ए आर ए। ठीक है इसको आप आई आर ए को इतना भी बड़ा मत दिखाएगा, वी टी को थोड़ा एक्सटेंड करके आई आर ए को छोटा भी दिखा सकते हैं और दिखाना उसको। ठीक है ये बन जाएगा आपके पास आई डी एक्स डी, और ये बनेगा आपके पास, ये थोड़ा ज़्यादा ही मैंने छोटा दिखा दिया एक्चुअली, इतना भी छोटा नहीं आना चाहिए, थोड़ा मैं उसको कम कर देता हूँ। ठीक है और इसको भी थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, तो देखना तो ये बन जाएगा इस टाइप से, तो
ठीक है, अब आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास आई ए एक्स क्यू, सॉरी आई क्यू एक्स क्यू, ये बन जाएगा आई ए एक्स क्यू आई ए आर ए, ये बन जाएगा आपके पास डिफरेंस बिटवीन आई डी एंड एक्स डी। ये टोटल जो है आपके पास, ये टोटल को क्या आपके पास, दिस टोटल इज आई डी एक्स डी, और ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में क्या है यार भैया। तो देखिए भाई, अब अपन बात करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो लीडिंग पावर फैक्टर के देख ले क्या होगा, फेजर डायग्राम ऑफ सेलेन पोल सिंक्रोनस जनरेटर एट लीडिंग पावर फैक्टर। ई एफ का एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। दिस विल बी केस टू। देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें, मैंने लिखा है कि एट लीडिंग पावर फैक्टर। ऑब्वियसली अगर लीडिंग पावर फैक्टर पे मतलब लोडेड कंडीशन पे बात की जा रही है, तो आर्मेचर करंट आएगा दैट विल बी नॉन जीरो। आई ए विल लीड टू वी टी बाय एन एंगल ऑफ व्हाट, फाइव। पावर फैक्टर एंगल से क्या करेगा, फाई से आर्मेचर करंट लीड करेगा टर्मिनल वोल्टेज को, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए ई एफ का वैल्यू ई एफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मैं ई एफ को ही रेफरेंस ले रहा हूँ। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट ई एफ। क्या होगा, ई एफ होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, टर्मिनल वोल्टेज आएगा वी टी, तो ये आ जाएगा आपके पास वी टी। सो ये बन जाएगा आपके पास क्या, वी टी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आर्मेचर करंट क्या करेगी, लीड करेगी वी टी को बाय एन एंगल ऑफ वॉट, आर्मेचर करंट बाय एन एंगल ऑफ फाइव, तो ये आ जाएगा आपके पास आर्मेचर करंट आई ए। आई ए इज लीडिंग टू वी टी बाय एन एंगल ऑफ फाइव, सो दिस इज एंगल फाइव। आई ए और ई एफ इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, दैट विल बी साई, दैट विल बी वॉट साई। ई एफ और वी टी इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, डेल, सो दिस इज डेल। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने वी टी का वाला प्रोजेक्शन, मतलब वी टी का जो लेंथ है थोड़ा ज़्यादा दिखा ई एफ के केस में, ई एफ के कंपैरिजन में। इसके लिए क्योंकि जब आप लीडिंग पावर फैक्टर की बात करते हो, तो लीडिंग पावर फैक्टर में इन केस ऑफ जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज इज मोर देन डेट ऑफ वॉट, एक्साइटेशन वोल्टेज। वेर इज इन केस ऑफ मोटर, मोटर में क्या होता है, एक्साइटेशन वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होता है इन केस ऑफ रादर देन वी टी, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना, ठीक है। अभी मैंने आर्मेचर करंट दिखाया, तो देखिए आर्मेचर करंट का जो कंपोनेंट होगा, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा आपके पास वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा, दिस विल बी व्हाट आई क्यू, और जो वर्टिकल होगा डैट विल बी व्हाट, डैट विल बी नथिंग बट आई डी। क्या होगा, दिस विल बी आई डी, इस टाइप से होगा आपके पास, ठीक है भाई। अब ये आई ए है, तो आई ए के इन फेज में क्या बनेगा आपके पास, आर ए, आई ए आर ए बनने वाला है, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपके पास आई ए आर ए, ये बन जाएगा क्या भाई, दिस विल बिकम आई ए आर ए बनेगा। सो दिस इज आई ए और आर ए, इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, आई ए आर ए के बाद जो आएगा आपके पास भाई, वो बनेगा आपके पास, इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, आई क्यू एक्स क्यू का ड्रॉप, क्योंकि देखिए ना ये आई क्यू है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा आई क्यू एक्स क्यू, तो ये क्या करेगा आई ए, सॉरी ये, तो ये बन जाएगा मेरे पास आई क्यू एक्स क्यू, ये क्या बन जा रहा है फिर, दिस विल बी आई क्यू एक्स क्यू, समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, आई डी एक्स डी, तो आई डी एक्स डी क्या आएगा, ये आई डी है तो उसको परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, आई डी एक्स डी 90 डिग्री लीडिंग, तो ये बन जाएगा आई डी एक्स डी, क्या बनेगा, दिस विल बी नथिंग बट, दिस विल बी आई डी एक्स डी, ठीक है। ये बन जाएगा वी टी, ये क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बिकम वी टी, स्टेप से बनने वाला है, ये बनेगा आपके पास आई ए आर ए, ठीक है, इस टाइप से। तो देखते हैं कि इसमें क्या आने वाला है भाई, ये ऐसा, तो ये, तो पहले मैं आई ए को प्रोजेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा आगे, क्योंकि ई एफ वगैरह उनके एक्सप्रेशन से निकालने के लिए अपन को आई एफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कि ये किस स्टेप से आने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि वी टी का प्रोजेक्शन लेता हूँ मैं, ठीक है, ये इस टाइप से आएगा, ये थोड़ा टेढ़ा होगा है, थोड़ा टेढ़ा होगा, तो वी टी को थोड़ा अच्छे से पहले प्रोजेक्ट कर लीजिएगा आप सबसे पहले उसको, अपने पास अगर स्केल वगैरह होगी तो उसको अच्छे से ये कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसके लिए उसको थोड़ा अच्छे से निकालना, फेजर अच्छे से आने चाहिए आपके, ठीक है, इस टाइप से ये आ गया आपके पास वी टी का प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद किसका लेंगे अपन, आइए एक एक्चुअली ये आएगा इस टाइप से, ये आएगा आपके पास
आई ए एक्स क्यू, इसका प्रोजेक्शन आएगा भाई, ठीक है, और ये आएगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से उसका प्रोजेक्शन आ रहा है, ठीक है भाई। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रा कर सकते थे इस टाइप से, ठीक है। तो मैं वीटी को थोड़ा कम करके वहां पे लेके आता हूँ मैं, तो वीटी का एक्सप्रेशन इस टाइप से, ये बन जाएगा वीटी, ठीक है, और इसको ये थोड़ा इस टाइप से, ये बन जाएगा वीटी का एक्सप्रेशन, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। तो इसमें देखिए क्या क्या बन सकता है, ये जो बनेगा भाई आई ए आर ए, तो ये बन जाएगा यहाँ पे क्या, ये आई आर ए बनेगा, ठीक है, ये वी टी का आई ए के ऊपर अगर मैं उसका प्रोजेक्शन लूँ तो बन जाएगा आपके पास वी टी कॉस फाई, क्या बनेगा, दिस विल बी वी टी कॉस फाई बन जाएगा, वी टी कॉस फाई प्लस वॉट आई ए आर ए, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो बनेगा सामने वाला, ये देखिए कौन सा कंपोनेंट बनेगा, ये जो पूरा का पूरा जो बनेगा वी टी वाला, दिस एंड दिस बोथ आर इन पैरेलल, तो जो टोटल कंपोनेंट बनेगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी वी टी साइन फाई, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट वी टी साइन फाई बनेगा। तो देखिए अगर मैं उसको थोड़ा इस टाइप से अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो बन जाएगा इस टाइप से, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बी वी टी साइन फाई, ये क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट वी टी साइन फाई, दिस विल बी वी टी साइन फाई, ठीक है। टोटल मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दिस वी टी साइन फाई माइनस दिस आई ए एक्स क्यू, ये जो बनेगा मेरे पास यहाँ से अगर मैं यहाँ तक चाहता हूँ तो ये जो बनेगा दिस विल बी वॉट, अगर मैं इतना ही देखूँ तो ये पूरा का पूरा वी टी साइन फाई, अगर मैं इतना ही देखूँ तो ये बन जाएगा वी टी साइन फाई माइनस आई ए एक्स क्यू, माइनस वॉट आई ए एक्स क्यू, ये बन जाएगा आपके पास इसका वैल्यू, ये वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू बन जाएगा वी टी साइन फाई माइनस वॉट आई ए टाइम्स ऑफ एक्स क्यू, इस टाइम से बनने वाला, इस टाइप से बनने वाला, ठीक है। तो अगर सपोज मैं इनके वैल्यूज अगर देखूँ, तो सपोज अगर सबसे पहले मैं किसका वैल्यू देख रहा हूँ, ई एफ का वैल्यू, ई एफ का वैल्यू देखिए किस टाइप से आने वाला है, ई एफ इज इक्वल्स टू, देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर उसका प्रोजेक्शन लूँ किसका, वी टी का, तो वी टी का एक्सप्रेशन विथ ई एफ ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये बन जाएगा आपके पास वी टी कॉस डेल प्लस, ये बनेगा आई ए आर ए, क्या बनेगा आई ए आर ए, और देखिए मतलब ये डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच गया है, और इसमें से अगर सपोज मैं आई डी एक्स डी माइनस करूँ तो मुझे ई एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस आई डी एक्स डी, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, ई एफ का एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन बनेगा, ई एफ का एक्सप्रेशन बनेगा। सिमिलरली सपोज अगर मैं ई एफ डैश के फॉर्म में अगर उसको देखता तो ई एफ डैश आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई एफ डैश यहाँ पे आएगा, और ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, ये डिफरेंस कौन सा होगा भाई, ये आएगा आपके पास, ये आई ए एक्स क्यू है, ये टोटल आई डी है, तो ये जो आएगा आपके पास दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट आई डी इन टू एक्स डी माइनस एक्स क्यू वाला डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ई एफ डैश के फॉर्म में अगर सपोज अगर मुझे फाइंड करना होगा तो ई एफ डैश इज इक्वल्स टू वी टी, क्या आएगा, वी टी कॉस डेल नहीं आएगा, वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्स क्यू प्लस वॉट आई ए टाइम्स ऑफ एक्स क्यू, इस टाइप से आ रहा है। ये क्या आ रहा है आपके पास, दिस इज नथिंग बट वॉट, ए यहाँ तक ई एफ डैश आ गया आपके पास, क्या आ गया, ई एफ डैश आ गया। तो अब अगर सपोज अपन को आई ए एक्स क्यू पता चल गया है, एक्चुअली मैं ये जो लिखा गलत लिखा हूँ, आई डी एक्स डी मतलब ये वाला ड्रॉप होगा, क्या होगा, ये वाला ड्रॉप, ठीक है। तो इसमें से मुझे ये वाला ड्रॉप फाइंड, ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि ये कितना टोटल, दिस इज टोटल आई डी एक्स डी है, और ये कितना आई ए एक्स क्यू है। अगर मैं सपोज यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन लूँ, इसके पहले मैं बताया तो क्या बन जाएगा, ये जो टोटल बनेगा इन दोनों के बीच में, ई एफ डैश और ये वाला जो डिफरेंस है, एक्चुअली इन दो ई एफ डैश और ई एफ, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है
डैट इज आई डी इन टू एक्स डी माइनस एक्स क्यू होता है। मैंने थोड़ा उसको बड़ा दिखाया इसके लिए कि एक्चुअली इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि ये दिखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए मैंने उसको दिखाया इतना इस टाइप से। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा पोर्शन होगा, दिस विल बी समवॉट स्मॉलर पोर्शन होगा, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ठीक है, तो ये जो बनेगा आपके पास ई एफ इन टर्म्स ऑफ ई एफ डैश, दिस विल बी ई एफ डैश माइनस आई डी इन टू, ये इतना माइनस करना पड़ेगा ना मुझे, ये बन जाएगा एक्स डी माइनस एक्स क्यू। क्या बनेगा, ई एफ डैश माइनस आई डी इन टू एक्स डी माइनस एक्स क्यू, ये बन जाएगा किसका, ई एफ का वैल्यू, इसका वैल्यू बनेगा या ई एफ का वैल्यू बनेगा। बात समझ में आ गई, उसको पहले एक करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ये जो आई डी एक्स डी का वैल्यू होता है बड़ा होता है, इससे ये थोड़ा ज़्यादा होगा रादर देन दिस वन, क्योंकि छोटा होता है, आई डी इन टू एक्स डी माइनस एक्स क्यू इतना होता है। ठीक है, अब ये बनेगा ई एफ डैश का। सिमिलरली मैं फाइंड करता हूँ क्या, साई फाइंड करता हूँ, टेन साई। सो टेन साई देखिए कितना आने वाला है, टेन साई भाई ये जो होगा आपके पास टेन साई इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, देखिए अपोजिट साइड क्या आने वाले, उसकी अपोजिट साइड जो होगी दिस विल बी वी टी साइन फाइव माइनस आई ए टर्म्स ऑफ एक्स क्यू। सो दिस विल बी वी टी साइन फाइव माइनस आई ए टर्म्स ऑफ एक्स क्यू डिवाइडेड बाई वॉट, वी टी कॉस फाइव प्लस आई ए आ रहा है, क्या आएगा, डिवाइडेड बाई वी टी कॉस फाइव प्लस आई ए आ रहा है, यह आएगा किसका भाई, टेन साई का वैल्यू आने वाला है, किसका वैल्यू आने वाला है, टेन साई का वैल्यू आने वाला है। बात समझ में आ रही है, तो ये साई का वैल्यू आ गया। अब अगर आप देखो तो देखिए साई फाई और डेल तीनों थोड़े अलग है, अगर देखा जाए तो देखिए फाई का वैल्यू क्या आ रहा है, फाई इज इक्वल्स टू साई प्लस डेल इस टाइप से आ रहा है, इसका मतलब क्या, साई इज इक्वल्स टू फाई माइनस डेल, क्या होगा, साई इज इक्वल्स टू फाई माइनस डेल इस टाइप से आ रहा है। बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर का जो फेजर डायग्राम है आप उसको इस टाइप से ड्रॉ करने वाले। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट फिगर ऑफ फेजर डायग्राम एट लीडिंग पावर फैक्टर, फेजर डायग्राम at leading power factor, phasor diagram at leading power factor is this one। ठीक है, यूनिटी के लिए आप खुद ड्रॉ कर लेना, डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि सेम है और जो लैगिंग के इसमें बस तो आई ए को आपने नीचे दिखा था, बस उसको इन फेज विथ वोल्टेज दिखा दीजिए, जो लैगिंग के लिए एक्सप्रेशन आते हैं सेम एक्सप्रेशन इन केस ऑफ यूनिटी आते हैं, बिल्कुल भी कहीं पर भी डिफिकल्टी नहीं होती और कहीं पर भी उसका कुछ ऐसा चेंज करने वाली बात है बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, देखिए अपने लैगिंग के लिए डिस्कस कर, लीडिंग के लिए डिस्कस करता है, अब इसके रिलेवेंट जो न्यूमेरिकल है वो अपन डिस्कस कर लें। ठीक है,